आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में ग्राम पंचायत बेरता से प्रधान प्रतिनिधि श्रीमान सुनील चौरसिया जी आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि आज हम आपके ग्राम पंचायत के बारे में यह जानने की कोशिश करेंगे कि आपके ग्राम पंचायत बेरता में किस प्रकार की समस्या है, आप चुनाव जीत चुके हैं, आपका अपने ग्राम पंचायत वासियों के लिए क्या संदेश है या किस प्रकार की आपकी पंचवर्षीय योजना रहने वाली है। इन तमाम सारे प्रश्नों को लेकर मैंने आपसे समय मांगा और आपने हमको समय दिया। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमें बहुत कठिन परिस्थिति में हमको वोट देकर जिताया। उसके लिए मैं जितना करूँगा उतना कम रहेगा जी। और सबसे पहले मैं अपने स्कूल को मॉडल स्कूल बनाना चाहता हूँ जी, जो कि डेढ़ साल से। पहले यह जानना चाहेंगे कि आपके ग्राम पंचायत में किस प्रकार की समस्या है। समस्या जैसे हमारे यहाँ रोड बहुत खराब है जी। रोड नाली की पानी निकासी की बहुत ज्यादा समस्या है, ठीक है, तो उसको दुरुस्त करवाना मेरा प्राथमिकता है जी। उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जी, उसको लाने के लिए मैं अधिक प्रयास करूँगा जिससे हमारे गाँव के महिलाओं को पुरुषों को सुविधा हो जाए जी। दूसरी चीज ये है कि जैसे हमारे विद्यालय है ये जी, प्राथमिक विद्यालय है, इसको मैं जो है मॉडल स्कूल बनाना चाहता हूँ। जैसे डेढ़ साल से लगभग कोरोना काल चल रहा है जिसमें बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं जी। और पढ़ने जाते भी हैं जैसे ऑनलाइन क्लासेस चलता है तो उसमें मनमानी फीस चल रहा है जी, ठीक है, तो उसको हम सुधार करेंगे, अपने गाँव के बच्चे को अपने स्कूल में पढ़वाएंगे और उसको मॉडल स्कूल की तरह जो है तैयार करके देंगे जी। जैसा कि आप इस ग्राम पंचायत बेरता के नव निर्वाचित प्रधान हुए हैं, पिछले पूर्व प्रधान को आपने हराया है जी, तो आपने जैसा कि यह बताया कि हम अपने इस विद्यालय को एक आदर्श मॉडल विद्यालय के रूप में प्रस्तुत करेंगे जिससे बच्चों को परेशानी ना हो, सभी यहाँ पे पढ़ने आए। इसके अलावा और क्या प्रमुखता रहेगी जो कि 5 साल में आपको अपने ग्राम पंचायत के लिए करना है जी। जैसे हमारे यहाँ विधवा है, वृद्धा है जी, ठीक है ना, इनका पेंशन बनवाना बहुत अनिवार्य है जो कि सरकारी लाभ मिलता है जी। और उस काफी लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं, वो वंचित हैं उससे, काफी दिनों से परेशान हैं जो उनको लाभ नहीं मिल रहा है। तो अगर कोई पढ़ा लिखा शिक्षित बन जाता है प्रधान तो उसका प्रथम जो है प्राथमिकता यही है कि उसको वो लाभ दिलवाएं जी। जी ये चीज़ है। अब जैसा कि आपने बताया कि पंचवर्षीय योजना ये रहने वाली है, तो मैं जनता के सामने आपसे यह वादा ले रहा हूँ कि आप 5 साल जब आपका पूरा हो जाएगा तो अगला इंटरव्यू फिर हम करेंगे कि आपने जो आज बोला था क्या वह आपने पूरा किया या नहीं किया। बिल्कुल जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए, सब कुछ ये अपना वादा बताने के लिए, एक तरीके से जो आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया कि हमारा ये पंचवर्षीय योजना इस ग्राम पंचायत के लिए क्या होने वाला है, तो इसको आप लास्ट में आपको जवाब देना पड़ेगा इसका। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।